हेलो दोस्तों, आज मैं फेस्टिवल स्पेशल डिश की रेसिपी लेकर आया हूँ। हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है। और आप सभी को पता है, हर त्यौहार की कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है। तो आज मैं मकर संक्रांति पर बनने वाली बाजरा की टिकिया की स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस नए साल में आपके द्वारा दिए गए प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जयवीर चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सैफी फूड विद जय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, ये 150 ग्राम हमने गुड़ लिया है, और इस गुड़ को हम छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे या फोड़ लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से इसे हम तोड़ लेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में कर लेना है, जिससे पानी में ये आसानी से घुल सके। तो इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और फिर इधर ये एक बर्तन में पानी थोड़ा गर्म कर लेते हैं, और इसके बाद इस फूटे हुए गुड़ को इसमें हम डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, जिससे इस गुड़ के ये जो मोटे कण इसमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी घुल जाएं। और इसमें हमें पानी लगभग इतना ही लेना है, जितना 150 ग्राम हमने गुड़ लिया उतना ही पानी लेना है। और इसमें दोस्तों, ये 2 से 3 इलायची डाल देते हैं। इलायची हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे उसके अंदर एक अलग ही खुशबू आएगी, तो इसमें खुशबू लाने के लिए। और ये 2 इलायची हमने डाल दी। इसके बाद दोस्तों, एक बर्तन के अंदर ये हम 1 कप के बराबर, लगभग 150 से 200 ग्राम हमने ये बाजरा, और ये दूसरा कप भी हमने ले लिया, तो कुल मिला के इसमें हमने 300 ग्राम बाजरे का आटा लिया है। इधर आप देख सकते हैं 300 ग्राम की ये मात्रा है, और इसमें लगभग 75 से 100 ग्राम अप्रोक्स हम ये तिल डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसके बीच में ये स्पेस बना लिया, जिससे इसमें जो गुड़ वाला पानी था उसको हम डाल सकें। तो ये हमने गुड़ वाला पानी डाल दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करते जाना है, क्योंकि बाजरे का ये डो हमें बिल्कुल टाइट लगाना है। इसमें थोड़ा सा भी या तो पानी ज़्यादा गिर गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इधर दोस्तों, हमने ये लगभग 2 छोटी चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, बटर हो तो आप बटर डाल सकते हैं, जिससे क्या है कि इसके अंदर एक सॉफ्टनेस भी आएगी। और इस तरीके से हाथों से हम इसे लगा लेंगे। आपको यही चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि इसको टाइट हमें लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा हमें वो पानी ऐड करते जाना है। ज़्यादा हो गया तो फिर ये पतला हो जाएगा, तभी इसमें वो क्रिस्पीनेस आएगी। तो ये हमारा आटा लग चुका है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आटा लग गया। अब इसके बाद दोस्तों, एक ये हमने रैपिंग पॉलीथीन ले ली है। अब बनाने को आप हाथ से भी बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और रैपिंग पॉलीथीन पे क्या है कि आप हाथों से इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो आराम से ये बनती जाएगी, और यदि हाथों पे बनाते हैं तो थोड़ा चिपकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से करना। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं हाथों से भी आपको बना के दिखाऊंगा। और इस तरह से आपको दबा के इसकी लोई बनानी है। यदि आप हाथों से घुमा के बनाएंगे तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसका जो डो लगा हुआ है वो टाइट है। तो इस तरीके से हाथों से, ये थोड़ी चिपक जरूर रही है, पर हाथों से इस तरीके से दबाते रहना तो आराम से ये बनती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसी तरीके से हमें ये सभी बना लेनी है। ये मेरी बन चुकी हैं सारी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई के अंदर ये हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल को हमने गर्म कर लिया, गर्म करके और इसके अंदर ये डाल देंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम या लो ही रखना है, आपको हाई पे नहीं करना। ये इन्हें हमें बहुत आराम आराम से फ्राई होने देना है। जितने आराम से ये फ्राई होंगे उतनी ही कड़क बनेंगी, और कड़क बनेंगी तभी इनकी परफेक्टनेस आएगी। तो इन्हें इसी तरीके से हमें फ्राई करते रहना है, और एक बार हमें पलट भी देना है। तो इस तरीके से पलट के क्या है कि ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर इनके इनका आ गया, और इसमें जो तेल हमने डाले वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, हमें ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करेंगे तो इनमें थोड़ा जले का सा टेस्ट आने लग जाएगा। तो ये थोड़े इस तरीके का कलर आ जाए तभी हमें ये निकाल लेनी है, ये कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसे बनाना बहुत ही आसान है, और ये
मकर संक्रांति की स्पेशल डिश होती है और हम सभी के घरों में बनती है, तो आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो मेरी इस रेसिपी की वीडियो से देखकर सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। आप 10 दिन तक, 15 दिन तक, कितने दिन तक खाओ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी बार मैंने डाले, दूसरी बार के भी मैंने निकाल लिए। अब इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, ठंडे होने के बाद ही ये क्रिस्पी होंगे, इनको हम तुरंत नहीं खाते। अब ये देख सकते हैं, तो इस तरह से ये हमारी बाजरे की टिकिया बनके तैयार हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और आप भी अपने घर पर ट्राई करके ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी की वीडियो के साथ। अब दोस्तों बारी आ गई है 3 सीक्रेट टिप्स बताने की। टिप्स नंबर 1, हमें बाजरे के डो को बहुत ही टाइट लगाना है, तभी इसमें क्रिस्पीनेस आएगी। यदि ये टिकिया हाथों से नहीं बन पा रही है तो इन्हें हम पॉलीथिन पर रखकर और हाथों से इन्हें दबा दबा के बना सकते हैं। टिप्स नंबर 3, इन्हें फ्राई करने के लिए हमें फ्लेम को लो या मीडियम ही रखना है, हमें ज़्यादा नहीं करना, तभी इसमें क्रिस्पीनेस आएगी।